अरे यार प्लासो भी भाई, आज देखा ना आपने, वो कॉन्ग और कितनी खतरनाक तरीके से हम लोगों को चैलेंज कर रहा था। और यार वो कितना ज्यादा ताकतवर है, आज हम लोग क्या अरे करेंगे? यार चौप, ये सही में यार, ये गोरिल्ला कॉन्ग काफी ज्यादा ताकतवर है भाई। इसको हराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइस, आज हम लोग को ना एक खतरनाक बंदा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लोग जानते हो मैं किसको ड्रॉ करने वाला हूँ भाई? आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ब्लैक एडम को। अरे बापरे, वो तो काफी ज्यादा ताकतवर है, सही में क्या। चलो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और ब्लैक एडम को ड्रॉ करते हैं। हाँ यार सिंचन, चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो गाइस फ्लैश ओपी, क्योंकि गाइस आज काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो चलो यार जल्दी बताओ, तुम लोगों में सबसे पहले कौन जाने वाला है? अरे सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ब्लैक एडम मेरा फेवरेट है। अरे फ्लैश ओपी भाई, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता, आज मुझे जाने दो। तुम लोग फाइट करते रहो, मैं तब तक ड्रॉ करके आता हूँ। यार जब तू हमेशा ऐसे ही करता है, देख लेना तेरा वाला ब्लैक एडम हारेगा। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा ब्लैक एडम काफी ज्यादा ताकतवर होगा, देखते रहना तुम लोग। चलो यार मैं जाता हूँ ड्रॉ करने के लिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले जा रहा है अपना चॉप। चलो देखते हैं चॉप कितना खतरनाक ब्लैक एडम ड्रॉ करता है, पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ब्लैक एडम ओपी लिख दो गाइस। चॉप मेरे भाई, तू ये क्या बता रहा है भाई? अपना ब्लैक एडम टकला कब से हो गया भाई? इसके तो बाल उड़ रहे हैं। अरे वो टीन के डब्बे, ये कोई टकला नहीं है, बस तू देखता रहे कितने खतरनाक है। ये देखिए काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, और ये मैंने इसके गर्दन बना दिया, अब मैं जल्दी जल्दी से इसका सूट बना देता हूँ। चलिए चॉप एक खतरनाक वाला ब्लैक एडम बना। भाई साहब इसका सूट तो काफी ज्यादा ओपी लग रहा है यार, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके हाथ कुछ ज्यादा ही पतले बना दिए तूने? अरे ठीक है सिंचन, मैं अभी इसका हाथ मोटा बना रहा हूँ। ये देख, पहले मैंने इसके कमर के पास में ये बेल्ट बना दिया। ओए चॉप, इसके पास तो सजाम वाली पावर है ना भाई, ये तो तोड़ फोड़ डालेगा। अरे हाँ यार, इसके पास सजाम वाली पावर है और ये सही में तोड़ फोड़ डालेगा, बस तू देखता जा। ये देख मैंने इसका आधा सूट तो बना दिया, अब जल्दी जल्दी से मैं इसके पैर के पास दे देता हूँ। और ये देख मैंने इसका बाइसेप थोड़ा और मोटा बना दिया है, अब जल्दी जल्दी देख बाकी सूट भी मैं इसका कंप्लीट करता हूँ। यार चॉप इसके पीछे ना एक लहराता हुआ कैप डाल दे, तभी तो क्या ओपी लगेगा। हाँ यार अब सही लग रहा है। चॉप इसकी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है भाई, अब फटाफट से इसके अंदर कलर भर दे, तभी तो जाकर के मजा आएगा। ओ भाई साहब ये क्या बना रहा है अपना चॉप? ओ यार ये तो सजेम का साइन है। हाँ भाई, बिना इस लोगो के ये सजेम कैसे लगेगा, इसलिए मैंने इसको भी बना दिया। अब जल्दी जल्दी से मैं इसके अंदर कलर भरता हूँ, उसके बाद देखो ये कितना मस्त लगेगा। ओ तेरी, ये तो काफी ज्यादा ओपी लग रहा है गाइस, और मुझे लगता है कि ये पूरा कपड़ा गोल्डन कलर का भी होने वाला। हाँ यार इसका आधा सूट तो गोल्डन कलर का है, अब तो काफी मस्त लग रहा है। फटाफट से इसकी शेडिंग वेडिंग भी मार दे, 3D भी लगना चाहिए। चॉप इसका चेस्ट तो बना यार। अरे यार अब मस्त लग रहा है, अब इसके एब्स बना डाल, थोड़ा सा और ओपी लगेगा। अरे यार इसके पैर भी काफी ज्यादा मस्कुलर है यार। अरे मैंने तो अभी बस शुरुआत ही की है, तुम लोग देखते जाओ मैं कितना ओपी बनाऊंगा ब्लैक एडम को। ये देखो मैंने इसके यहाँ पर एब्स बना दिए, अब जल्दी जल्दी इसकी शेडिंग पूरी करता हूँ और हाईलाइटिंग दे देता हूँ, और भी ज्यादा ओपी लगेगा भाई। ये तो एकदम तगड़ा लग रहा है भाई, इसके और शेडिंग कर दे, और भाई इसके चेहरे के पास भी तो दे दे, चेहरा शेडिंग ही नहीं हुआ इसका। अरे थोड़ी देर रुक जा, अभी मैं इसकी शेडिंग करता हूँ पूरी तरह से, एक बार इसके हाईलाइटिंग कर दूं, उसके बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ये चब, अब तो ये काफी ज्यादा मस्त लग रहा है भाई, ओपी लग रहा है। चल यार जल्दी से इसके हाईलाइटिंग का काम भी कंप्लीट कर दे, उसके बाद हम लोग इसको फाइट करने के लिए भेजेंगे। अरे यार चॉप, मैं तो बोलता हूँ ब्लैक एडम की हाईलाइटिंग के बाद थोड़ी सी आउटलाइनिंग भी कर देना। ओ भाई सब, ये देखने में तो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, और ये देखो भाई अपना चॉप तो इसकी हाईलाइटिंग भी कंप्लीट कर चुका है भाई, ये तो काफी तगड़ा और ओपी भी लग रहा है। और भाई इसके गोल्डन आर्मर को तो देखो। तो गाइस मुझे लगता है ना कि अपना ये ब्लैक एडम पूरी तरह से तैयार हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है। चलो देखते हैं यार ब्लैक एडम और भाई साहब वो गोरिल्ला के बीच में फाइट में कौन जीतता है। पर भाइयों ये मैच शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में ब्लैक एडम ओपी लिख दो। अरे बाप रे, ब्लैक एडम तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, और ये देखो ये गोरिल्ला भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, पता नहीं दोनों के मैच में कौन जीतेगा। अरे सिंचन वो तो अभी पता लग जाएगा, क्योंकि गाइस ये मैच चालू हो चुका। ओ भाई सो ये देखो अपना ब्लैक एडम तो भाई शुरुआत से ही काफी धमाकेदार मार मार रहा। ओम नहीं भाई, ये किंग कॉन्ग भी काफी तगड़ा है। प्लस अभी भाई ये गोरिल्ला ग्रूट काफी तगड़ा है, इसे सुपरमैन को भी टक्कर दी थी। ब्लैक एडम उसके सामने मेरे को लगता है बच्चा है। अबे आयरन मैन ब्लैक एडम तुझे बच्चा लग रहा है? ये देख भाई कितनी तगड़ी मार मार रहा है। गाइस तुम लोगों को क्या लगता है इन दोनों को फाइट में कौन जीतने वाला है भाई, ये गोरिल्ला या अपना ब्लैक एडम? कमेंट बॉक्स में बता दो। अरे चाहे कुछ भी हो जाए अपना ब्लैक एडम ही जीतेगा। चलो ब्लैक एडम मार मत खाओ, दिखा दो यार। ये हुआ ना भाई, घूस है बरसा दिए इसने। ये देखो फिलोसफी भैया, इस गोरिल्ला की एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है, पर मेरे को लगता है अभी भी ये हार मानने को तैयार नहीं है यार। ब्लैक एडम तुम्हें इसे ठोकना पड़ेगा। ओहो ये क्या अटैक है भाई, बिजली के झटके मार दिए। गाइस ये वाला अटैक तो काफी ज्यादा ओपी था अपने ब्लैक एडम का, बट गाइस ये गोरिल्ला इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। ओ भाई साहब ये देखो ये कौन सा अटैक है। ओ भाई साहब
पैर के नीचे मार करके गिला दिया। रुक जा गोरिल्ला का बच्चा, अभी तुझे पता चलेगा कि ब्लैक एडम से पंगा लेने का क्या उपाय होता है। फोड़ डालो ब्लैक एडम इस गोरिल्ला को। ओहो क्या ही अटैक था भाई, बिजली के झटके दे देख के पता नहीं कितने बार इसको मार मारेगा, पर ये गोरिल्ला बार बार खड़ा क्यों हो जा रहा है। सिंचन ये गोरिल्ला काफी ज्यादा तगड़ा है, गोरिल्ला गुट के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई साहब ये तो सिंह से मार रहा है, बट गाइस हमें लगता है कि हमारा ब्लैक एडम अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और ये देखो भाई कितने खतरनाक बिजली के झटके मार रहा है। गोरिल्ला ग्रूट की एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो गई है, हमारा ब्लैक एडम किसी भी समय जीत सकता है। हाँ यार वैनम तू सही बोल रहा है, हमारा यहाँ पर ब्लैक एडम कभी भी जीत सकता है। बट गाइस ये भाई ये क्या हो गया भाई, गोरिल्ला ग्रूट को ये क्या हो गया भाई, ये खतरनाक अटैक है। और ये देखो अपने ब्लैक एडम को किस तरह मार रहा है, छोड़ दे यार। बाप रे ये गोरिल्ला तो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अरे नहीं यार धो डाला हमारे ब्लैक एडम को। टेंशन ना लो, हमारा ब्लैक एडम अभी खड़ा हो जाएगा। चलो यार ब्लैक एडम दिखा दो यार कि तुम्हारे अंदर भी खतरनाक वाली पावर है। और ये लो गाइस अपना ब्लैक एडम करंट झटके बरसाना चालू कर चुका है। ओ भाई साहब क्या ही किक मारा। अरे बिड़ू मुझे नहीं लगता कि ब्लैक एडम इसको हरा भी पाएगा, दोनों की एनर्जी बराबर है। अरे भले ही इसकी एनर्जी बराबर है सुपरमैन, बट ये देख ब्लैक एडम अभी इसको धोने वाला है बुरी तरह से। ओहो भाई साहब ये देखो कितनी खतरनाक तरीके से मार रहा है। और ये रहा गोरिल्ला ग्रूट की एनर्जी हाफ हो गई है भाई, किसी भी समय ये गोरिल्ला ग्रूट हार जाएगा। ओ भाई साहब ये एक और बिजली का झटका, ओ भाई क्या ही किक मारा। चलो यार ब्लैक एडम तुम कर सकते हो, तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा हाई है। ओ भाई साहब भाई भाई यहाँ तो डब्बे उठा उठा के मारे जा रहे हैं। ओ नहीं अरे बाप रे लगता है ये गोरिल्ला काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। अरे इतनी मार खाने के बाद गुस्से में तो आएगा ही, बट गाइस हमारा ब्लैक एडम यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। ये क्या गाइस फिर से ये गोरिल्ला अपने खतरनाक मूव से अटैक कर रहा है। और ये देखो भाई क्या कर डाला हमारे ब्लैक एडम को, सारी एनर्जी एक बार में ही चूस ली इसने। ब्लैक एडम तुम्हारे पास अभी भी मौका है, जल्दी से खड़े हो जाओ और दो चार मुक्के और किक बरसाओ, एक बार में इसको हराना है। चलो यार दो चार और खतरनाक किक और ये हार जाएगा। भाई गोरिल्ला ग्रूट की एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है और ये वाला अटैक गाइस काफी खतरनाक था। और मेरे को लगता है एक और खतरनाक पंच और ये पूरी तरह से हार गया। ये देखो गाइस यहाँ पर हमारा ब्लैक एडम कितनी आसानी से इस मैच को जीत लेता, पहला राउंड तो हमारे नाम पे आ चुका है। कमाल कर दिया यार हमारे ब्लैक एडम ने। हाँ यार सिंचन हमारे ब्लैक एडम ने तो हमें पहला राउंड जिता दिया, बट भाइयों अभी ये मैच इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ है, हमें तीन के तीन राउंड जीतने पड़ेंगे। और भाई अगला वाला ब्लैक एडम तो और भी ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। देखा यार सिंचन मैंने तुझे क्या बोला था, मेरा वाला ब्लैक एडम इस वाले मैच को जिता देगा, देखा ना वो कितना ज्यादा पावरफुल था। टेंशन ना ले चुप, जब मैं बनाऊंगा ब्लैक एडम तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, तू देखते ही रह जाएगा। अरे ठीक है गाइस तुम लोग अब दो एक दूसरे में फाइट ना करो। और ये बताओ अगली बारी किसकी होने वाली है, कौन जाने वाला है एक और खतरनाक ब्लैक एडम को ड्रॉ करने के लिए। फ्लासो भाई अगर ऐसी बात है तो इस बार ड्रॉ करने के लिए मैं जाऊंगा, मुझे काफी दिनों से ब्लैक एडम को ड्रॉ करने का मन था, अब देखते जाओ मैं कितना खतरनाक ब्लैक एडम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है भाई तो इस बार ड्रॉ करने के लिए जा रहा है अपना आयरन मैन, चलो देखते हैं आयरन मैन कितना खतरनाक ब्लैक एडम ड्रॉ करता है। अरे यार ये वाला ब्लैक एडम तो और भी ज्यादा गुस्सा में लग रहा है भाई, इसके नाक कितने ज्यादा बड़े हैं। और यार ये वाला ब्लैक एडम तो काफी ज्यादा बूढ़ा भी लग रहा है, मुझे लगता है बुढ़ापे के कारण ये फाइट करना भूल चुका होगा। अरे नहीं यार सिंचन मेरा ये ब्लैक एडम काफी ज्यादा एडवांस है, तेरे में देखने में ये काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा है, पर जितना एजेड होगा ये उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। ये देख इसका सूट कितना ज्यादा ओपी है। सही में भाई साहब इसका सूट तो काफी ज्यादा ओपी है, पर यार इसके हाथ काफी ज्यादा पतले हो गए, आयरन मैन प्लीज इसका हाथ थोड़ा और ज्यादा बड़ा बना दो। ये देखो गाइस अपना आयरन मैन तो एक खतरनाक वाला ब्लैक एडम बना रहा है भाई, इसका सूट तो धीरे धीरे और भी ज्यादा ओपी होते जा रहा है। ये देखो यार कितना खतरनाक बना रहा है, और इसके पैर के पास में ये ढाल क्यों बना रहा है ये। प्लस अभी भाई मैं इसके पैर में भी कवच बना दे रहा हूँ जिसे और भी ज्यादा ओपी लगने लगेगा। ये देखो मैंने इसके नीचे पैर में भी बना दिया, और मैं इसके हाथ को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद इसके अंदर कलर भर दूंगा। ओ भाई साहब इस ब्लैक एडम के सर पे ताज भी बना हुआ है, तो और भी ज्यादा ओपी लग रहा है। चलो चलो इसके अंदर कलर भर दो। ओ भाई साहब ये तो पूरा का पूरा ग्रीन कलर का होने वाला है, ये तो और भी तगड़ा लग रहा है यार, इसका पूरा सूट ही गोल्डन कलर का है। गाइस ये तो गोल्डन ब्लैक एडम है, ये तो और भी ज्यादा ताकतवर होगा, देखने में देखो कितना ज्यादा ओपी लग रहा है गाइस। और मेरे को देखो लग रहा है ना पूरी तरह से अपने आयरन मैन ने इसको कलर कर दिया है। चलो यार ब्लैक एडम को आप जल्दी जल्दी से सेटिंग पूरी तरह से कंप्लीट करो भाई, ये देखने में तो काफी तगड़ा लग रहा है, पता नहीं फाइट करने में ये कितना ज्यादा अच्छा करेगा। टेंशन ना ले चो, मेरा ये ब्लैक एडम काफी ज्यादा ताकतवर है, ये देख तो जाओ मैंने इसकी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, अब जल्दी से मैं इसमें हाइलाइटिंग दे दूंगा और भी ज्यादा ओपी बना दूंगा इसको। टोनी अंकल इसको और भी थोड़ा ज्यादा सेटिंग दे दो, थोड़ा ज्यादा डार्क लगेगा तो ही तो जाकर ब्लैक एडम कहलाएगा। अरे यार ये काफी ज्यादा ओपी लग रहा है, इसके आर्मर तो काफी ज्यादा चमकने भी लगे हैं। हाँ यार सिंचन तू सही बोल रहा भाई, ये वाला ब्लैक एडम तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये देखो इसके पूरे गोल्डन आर्मर
पूरे के पूरे गोल्ड कलर के हो चुके हैं। और ये क्या बना रहा भाई, ये तो भाई क्या है ये? ओ निकाल, ये तो ब्लैक एडम की साइनिंग वाली भाई लोगो है। ओ भाई साहब, ब्लैक एडम का ये वाला तो पूरा का पूरा मेटल का है, देखने में काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। पर आयरन मैन ब्लैक एडम का वो ताज कहाँ चला गया यार? उसको तो अभी तक कम्प्लीट नहीं किया, जल्दी जल्दी से उसके अंदर कलर भर दे। ये देखो गाइज, अब तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा अपना ये ब्लैक एडम। तो गाइज मुझे लगता है अपना ये ब्लैक एडम रेडी हो चुका है, चलो देखते हैं रियल लाइफ में आकर के ये गोरिल्ला से फाइट करके जीतता है या हार जाता है। पर इस फाइट को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में ब्लैक एडम ओपी लिख दो गाइस। अरे बाप रे, अपने ब्लैक एडम के एंटी तो काफी ज्यादा तगड़ी थी, और यार इसके सर में तो सही में खतरनाक ताज बना हुआ है। चलो यार दिखा दो तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा ताकतवर है, छोड़ना नहीं इस गोरिल्ला को। अरे यार मैच शुरू होते ही इस गोरिल्ला ने अटैक कर दिया भाई, ये गोरिल्ला भी लगता है अपग्रेड हो चुका है यार, ये पहले वाली की तरह नहीं है, इसका पूरा सूट दे क्या चेंज हो गया। ओ नहीं, ये क्या कर रहा है, अपने ब्लैक एडम के साथ में पप्पी ले रहा है क्या? अरे छी छी यार, ये क्या किया हमारे ब्लैक एडम को, पप्पी ले ली वो भी गीली वाली। अबे अब तो अपना ब्लैक एडम और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है, ये देखो भाई पप्पी लेने का और बदला निकाल रहा। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे? छोड़ना नहीं यार इस गोरिल्ले को, और ये गोरिल्ला तो और भी ज्यादा ताकतवर निकला यार, ये तो मारे जा रहा अपने ब्लैक एडम को। पर दोनों कैच पे बराबर है। ओहो ये रहा ब्लैक एडम का बिजली का झटका, भाई इसे तो कोई भी नहीं बच सकता। पर यार ये गोरिल्ला इतना मोटा होने के बाद इतनी ज्यादा ऊंचाई तक कैसे कूद रहा है? अरे यार ये आखिर खाता क्या है? चलो यार ब्लैक एडम कुछ तो करो, अपनी असली ताकत दिखा दो इसको। अरे बेटू लोग, मैं तो बोलता इस गोरिल्ला को इधर से निकालो यार, इससे ना हो पाएगा। अरे यार ये तो कह दो भी बराबर हो गई है, पर ये क्या भाई अपना ब्लैक एडम तो काफी धमाकेदार फाइट कर रहा। ओ नहीं यार अब ये गोरिल्ला और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा मुझे। गाइस अपना ब्लैक एडम तो एक के बाद एक से एक खतरनाक अटैक कर रहा है, बट गाइस ये क्या हो रहा भाई, ये गोरिल्ला कुछ तो सोच रहा भाई, मेरे को लगता है अब ये कोई खतरनाक अटैक करने वाला है। ब्लैक एडम बच के यार, ये गोरिल्ला काफी ज्यादा खतरनाक है। हाँ यार ये सही में काफी ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा। ओ भाई साहब ये वाला अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, पूरी बैप रे बैप, मुझे लगता है ये ब्लैक एडम की सारी हड्डियां तोड़ने वाला है। गाइस इसके बाद तो अपना ब्लैक एडम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, बट ये क्या कर रहा भाई, ये गोरिल्ला क्यों कर रहा है भाई, इतने खतरनाक अटैक कौन करता है? फ्लैश बॉबी भाई ये क्या, हमारा ब्लैक एडम उठ क्यों नहीं पा रहा? चलो यार ब्लैक एडम तुम ये कर सकते हो यार, तब भाई मचा दो, धो डालो यार थोड़ी देर। और ये हुई ना बात भाई, कुर्सी चला के मार डाला, तोड़ डाला गोरिल्ला की मुंडी। गोरिल्ला की एचपी काफी ज्यादा डाउन हो रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मैच हम लोग आराम से जीत जाएंगे। चलो यार आप हरा सकते हो उस गोरिल्ला को। हां गाइस इस गोरिल्ला की एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो गई है, और भाई अपना ब्लैक एडम ओनी गाइस ये क्या हो गया भाई, मिस कैसे हो गया अटैक भाई, इसको एक और खतरनाक अटैक करना पड़ेगा, एक तबाही वाला अटैक होगा तभी जाकर हम लोग जीत पाएंगे। और ये देखो भाई फाइनली अपना बिजली का झटका आ चुका है, बट मेरे को लगता है भाई कि ये क्या भाई, ओ नहीं गाइस ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये गोरिल्ला तो अपने ब्लैक एडम को उठा उठा पटक रहा था भाई, ये वाला तो काफी खतरनाक अटैक। और ये देखो गाइस फाइनली हमारे ब्लैक एडम ने कुर्सी मार करके ये मैच जीत लिया यार, ये काफी खतरनाक फाइट था, बट फाइनली गाइस हमारा ब्लैक एडम यहाँ पर जीत चुका है। तो भाइयों हम लोगों ने यहाँ पर दो दो मैच जीत लिए हैं, बट यार ये मैच इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होने वाला, अभी फाइनल राउंड बाकी है और हम लोगों को एक और खतरनाक वाला ब्लैक एडम ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि यार इन सारे ब्लैक एडम में सबसे ज्यादा ताकत होना चाहिए, इतना तगड़ा और इतना खतरनाक। अरे फ्लैश अभी भैया टेंशन ना लो, क्योंकि इस बार ड्रॉ करने के लिए मैं जा रहा हूँ और मेरे दिमाग में एक मस्त ब्लैक एडम है, बस अब देखते जाओ मैं कितना खतरनाक ब्लैक एडम ड्रॉ करता हूँ। पर गाइस उससे पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में सिंचन ओपी लिख दो यार। हाँ गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में सिंचन ओपी लिख दो, क्योंकि हमारा सिंचन एक खतरनाक ब्लैक एडम ड्रॉ करने वाला है। ये क्या कर रहा भाई, ये कौन सा ब्लैक एडम बना रहा तू? फ्लैश भैया मैं इतना खतरनाक ब्लैक एडम बनाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे, ये ब्लैक एडम नहीं बल्कि कोई और ही एडम होने वाला है, बस आप देखते जाओ। ये देखो मैंने इसका आर्मर सूट बनाना शुरू भी कर दिया है और ये काफी ज्यादा ओपी होगा। सही में यार सिंचन ये तो अभी से ही काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, प्यार यार सिंचन इसका हाथ तो काफी ज्यादा पतला हो गया यार, इसको इरेज करके और भी ज्यादा मोटा बना दे। ठीक है चुप एक मिनट रुक जा, ये देख मैंने इसको इरेज कर दिया और इसका हाथ मोटा भी बना दिया, ये देख मैंने इसकी बाकी की बॉडी बना दी, यहाँ पर मैं उसका बेल्ट बना देता हूँ नहीं तो इसका पैर नीचे गिर जाएगा, और ये देख भाई मैं उसके यहाँ पर कुछ और भी बना रहा हूँ जो कि एकदम लेजेंड की तरह होने वाला है। गाइस ये वाला ब्लैक एडम तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मैंने ऐसा ब्लैक एडम कभी देखा ही नहीं है, ये देखो भाई इसका सूट तो काफी तगड़ा लग रहा है, ये किस टाइप का सूट बना रहा है अपना सिंचन? अरे रुक जाओ फ्लैश अभी भैया आपको अभी पता लग जाएगा, ये देखो मैंने यहाँ पर शज़ाम वाला लोगो भी बना दिया है जो कि ब्लैक एडम के ऊपर है, और ये देखो मैं उसका बाकी का सूट भी बना देता हूँ, उसके बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ये सिंचन ये तो अभी से ही काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। ओ भाई साहब ये क्या, इसके सर पे भी तूने ताज बना दिया, चल चल
जल्दी जल्दी से इसके अंदर कलर भर दे, उसके बाद देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ओ यार ये क्या, ये तो रेड कलर का ब्लैक एडम है। अरे यार इसका नाम ब्लैक एडम है पर तूने इसको रेड एडम बना दिया। चुप, ये ब्लैक एडम का सबसे एडवांस वाला कपड़ा है, बस तू देख जा मैं इसको कितना खतरनाक बना रहा हूँ। ये देख मैंने इसके पूरे बॉडी में यहाँ पे कलर भर दिया है, अब जल्दी जल्दी से मैं इसको सेटिंग वेडिंग कर देता हूँ जिसके बाद ये पूरी तरह से कम्प्लीट भी हो जाएगा। गाइस ये वाला ब्लैक एडम तो देखने में काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, और ये देखो भाई अपना सिग्नेचर इसकी सेटिंग भी कितनी मस्त कर रहा भाई, उसने चेस्ट भी बना दिया और भाई थोड़े से एब्स भी बना दे जिससे और भी ज्यादा मस्कुलर लगने लगेगा। फ्लैशो भैया बस अब देखते जाओ मैं इसको कितने खतरनाक बनाऊंगा। ये देखो मैंने इसके मसल्स यहाँ पे बना दिए हैं, अब जल्दी से मैं इसके गोल्डन आर्मर को भी सेटिंग कर देता हूँ जैसे ये पूरी तरह से HD और 3D लगने लगेगा। हाँ यार सिंचर फटाफट से कर दे भाई, तभी तो जाकर ये OP लगेगा। ओ भाई साहब ये क्या, इसके हाईलाइटिंग भी कर रहा है तू, तब तो और भी ज्यादा चमकने लगा ये। फ्लैशो भैया मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मैं एक खतरनाक वाला बनाऊंगा, ये देखो कम्प्लीट हो चुका है मेरा ये ब्लैक एडम। तो गाइस हमारा ये ब्लैक एडम रेडी हो चुका है, चलो देखते हैं अपना ये ब्लैक एडम फाइट में जीतता है क्या हारता है। पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में रेड ब्लैक एडम लिख दो। ये देखो फ्लैशो भैया आ गया मेरा रेड ब्लैक एडम, और देखते जाओ ये कितना ज्यादा ताकतवर है। अरे यार ये देखने में तो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई, बैठ के देखना पड़ेगा कि आखिर इस गोरिल्ला के सामने ये कितनी देर टिकता है। ओ नहीं गाइस ये क्या भाई, आते साथ ये गोरिल्ला भाई उठा उठा के पटक रहा अपने भाई ब्लैक एडम को। ओ ये क्या अपना ब्लैक एडम मार क्यों खा रहा, चलो यार ब्लैक एडम ये मैच हम लोगों को जीतना है, क्या करो ये हुई ना बात भाई, दो चार और लंबे लंबे घूंसे बनाओ। देखते जाओ मेरे ब्लैक एडम के अंदर भी तगड़े फाइट है, पर ये क्या, अरे यार ये गोरिल्ला तो धपाधप मारे जा रहा, अरे क्या कर रहे यार रुक जा, चलो यार ब्लैक एडम अपनी सारी ताकत लगा दो यार, दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। और ये आया गाइस अपने ब्लैक एडम का थंडर अटैक भाई, ये वाला अटैक तो थॉर के अटैक से भी ज्यादा तगड़ा है। बट गाइस ये गोरिल्ला इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला भाई, ये खतरनाक ही खतरनाक है, इसके मसल्स तो देखो कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं। ब्लैक एडम आज दिखाना पड़ेगा तुम्हारे अंदर ताकत कौन सा है। ओ भाई साहब ये तो ऊपर से बिजली के झटके भी ले रहा है, यार क्या करता है, मेरे को लगता है ये खाना में बिजली के झटके ही खाता होगा। ब्लैक एडम तुम्हें इसे उठाकर देखना पड़ेगा, कुछ अपने असली वाली ताकत तो दिखाओ नहीं ये गोरिल्ला तुम्हें हरा देगा। एक मिनट गाइस, नहीं नहीं भाई गोरिल्ला कहां तो मैंने पकड़ा ना। ओ नहीं गाइस ये गोरिल्ला अपने खतरनाक अटैक में आ चुका है, और ये देखो भाई ये क्या कर रहा है अपने ब्लैक एडम के साथ, अबे भाई पटक पटक के मार रहा है। ओ नहीं 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 भाई ये तो और भी खतरनाक अटैक्स है। अरे भाई साहब धो डाला यार अपने ब्लैक एडम को, इतनी बुरी तरह से कौन मारता है। चलो यार ब्लैक एडम कितना मार खाओगे, कुछ तो दिखाओ यार तुम्हारे अंदर कितनी खतरनाक पावर है, और मारना पड़ेगा यार दो चार और खतरनाक अटैक अटैक करने पड़ेंगे यहाँ पे। गाइस मुझे लगता है कि अपना ब्लैक एडम किसी खतरनाक अटैक में है भाई, ये देखो उसने बिजली के झटके भी ले लिए। ओ नहीं भाई भाई ये क्या कर रहा है ये तो, ओ नहीं भाई ये फिर से पप्पी ले रहा हमारे ब्लैक एडम को। अरे यार ये गोरिल्ला तो काफी ज्यादा गंदा है, बेचारे ब्लैक एडम को कितनी गिली गिली पप्पी ले लिया। चलो ब्लैक एडम अपनी सारी ताकत दिखाओ और बता दो यार कि तुम कितने ज्यादा गुस्से में हो। गाइस हम लोगों को अपने ब्लैक एडम को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एक लाइक और जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और भाई सब कमेंट बॉक्स में ब्लैक एडम OP लिख दो। और ये देखो भाई अपना ब्लैक एडम और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है, बस थोड़ी देर और ये गोरिल्ला हार जाएगा, एक और खतरनाक अटैक करना पड़ेगा। चलो भाई एक और बिजली का झटका दे दे इसको। फ्लैशो भाई हमने गोरिल्ला का फिनिशिंग मूव तो देख लिया, पर अभी तक हमारे ब्लैक एडम का एक भी फिनिशिंग मूव नहीं आया है। हारन मैं तू बात तो सही बोल रहा भाई, हमें ब्लैक एडम का अब जाकर के फिनिशिंग मूव देखने मिलेगा। ये देखो भाई इसमें तो अपना ब्लैक एडम काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। ओ नहीं ये क्या भाई ये क्या कर रहा, ओ भाई साहब ये देखो यार कितना खतरनाक बिजली का झटका मारा। गाइस गोरिल्ला की एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो गई है, और फाइनली गाइस हमारा ब्लैक एडम जीत चुका भाई, कमाल कर दिया हमारे ब्लैक एडम ने, एक बार में ही भाई गोरिल्ला को हरा दिया। तो देख लिया ना तुम लोगों ने ब्लैक एडम की ताकत कितनी ज्यादा खतरनाक है। भैया मैंने तो आपको पहले बताया था कि मेरे वाला ब्लैक एडम सबसे ज्यादा ताकतवर है, देखा ना आपने उसका फिनिशिंग मूव कितना ज्यादा OP था। हाँ यार सिंचन वो तो काफी ज्यादा OP था। तो गाइस देख लिया ना तुम लोग ब्लैक एडम कितना ज्यादा ताकतवर है, और भाई उसके सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। तो गाइस अगर तुम लोगों ने हमारा वीडियो अभी तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से 29 लिख दो, जिससे हमें पता चल जाए आप लोग हमारी वीडियो को आखिर तक देखते हो। और भाई कमेंट बॉक्स में ये भी जाकर के बताओ कि अगली बार हमें किसे ड्रॉ करना है, क्योंकि तुम लोग जो इसको बोलते हो हम लोग उसी को ड्रॉ करते हैं। और आज का लाइक टारगेट 1000 है, जल्दी से वीडियो पे 1000 लाइक करवा दो यार। अरे मुझे पता है हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, 1000 लाइक तो करवा ही देंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग कल एक और धमाकेदार वीडियो में।